नमस्कार, जय हिंद, सलाम। एक और पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, उसी की सूचना आपको मिल रही है मेरे चैनल के माध्यम से। और ये सारी जानकारियाँ इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। जानकारियों को आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी प्राप्त करके जान सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से भी जो आपको करना है वो करिएगा। सूचनाओं को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सुनने के बाद समझने में कोई समस्या या सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा समय से, नहीं तो तकलीफ आपको हो जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू बहुत जल्दी आपका होने वाला है। यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। इंटरव्यू की डेट मैं आपको बताऊं, उससे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको मैं बाद में ही बताऊंगा। पहले आप इंटरव्यू की डेट को सुन लीजिए, और इंटरव्यू की डेट सुनने के बाद में वीडियो देखना है पूरा तो देखिएगा, छोड़कर जाना है तो छोड़कर जाइएगा, और सवाल उतना ही करिएगा जितना आपने वीडियो देखकर समझा है। पहले इंटरव्यू की डेट और फिर रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरव्यू के संबंध में, जो आपको जानने ज़रूरी है, नहीं तो आप इंटरव्यू देने जाएं और आपको तकलीफें हों तो इसके जिम्मेदार आप केवल स्वयं और स्वयं होंगे, केवल आप ही होंगे। 8 जुलाई को इंटरव्यू होना है 5 अलग अलग डिपार्टमेंट का। इनके नाम है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 8 जुलाई को 5 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू होने हैं, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंस। 9 जुलाई को कुछ डिपार्टमेंट के इंटरव्यू रखे गए हैं, जिनकी संख्या है 6, यानी कि 6 ये डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ECE इनको बोलते हैं। इन 6 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू हैं 9 जुलाई 2024 को। 4 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू और हैं जो कि होने हैं 10 जुलाई 2024 को, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर। ये 4 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू होने हैं 10 जुलाई को। 11 जुलाई को 5 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू रखे गए हैं पीएचडी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बात आपसे कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट के नाम है और डेट है 11 जुलाई। डिपार्टमेंट इस प्रकार से है, मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, मिलिट्री साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और उर्दू। 12 जुलाई को 2 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू रखे गए हैं, और 12 जुलाई को 3 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू रखे गए हैं, माफ़ करिएगा, 12 जुलाई को इंटरव्यू जिन डिपार्टमेंट का है उनके नाम है ज्योग्राफी तो हो चुका है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल 12 जुलाई, पॉलिटिकल साइंस 12 जुलाई, एंशंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास 12 जुलाई। 13 जुलाई को 3 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू, 13 जुलाई को माफ़ करिएगा 2 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू, समाजशास्त्र और कॉमर्स यानी कि सोशोलॉजी और कॉमर्स 14 जुलाई जो कि लास्ट डेट है इंटरव्यू की, इस डेट को इंटरव्यू होना है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी लिटरेचर के बच्चों का। तो 8 जुलाई को 5 डिपार्टमेंट, 9 जुलाई को 6 डिपार्टमेंट, 10 जुलाई को 4 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू हैं, 11 जुलाई को 5 डिपार्टमेंट के, 12 जुलाई को 3, 13 जुलाई को 2, 14 जुलाई को 1 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू रखे गए हैं। टोटल डिपार्टमेंट हैं जो मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 11 यानी कि 26 डिपार्टमेंट इनके इंटरव्यू होने हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पर 27 जुलाई को अपलोड कर दिया गया था, 28 जुलाई को मैंने वीडियो बना लिया है, आपने कब देखा है नहीं मालूम, लेकिन विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनकी तरफ से 22 जून को ही नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि डेट अप्रूवल की 22 जून है, लेकिन 4-5 दिनों का डिले क्यों किया गया, इसका जवाब एग्जामिनेशन ब्रांच, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से आप पूछ सकते हैं। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जिन बच्चों ने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है कि क्वालिफाई है या नहीं, जाकर रिजल्ट पर जाइएगा, उसका वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपने रिजल्ट को पहले देख लीजिएगा आपका रोल नंबर उसमें है या नहीं। पहला रूल्स है
कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं केवल वही बच्चे इंटरव्यू के दिन आपके डिपार्टमेंट का जो भी डेट है उस दिन पहुंचेंगे इंटरव्यू देने के लिए। जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करे हैं, पहली चीज, ऐसे बच्चे जो एग्जामिनेशन कैटेगरी में थे वो बच्चे भी इंटरव्यू देने उसी दिन जाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का और 9 जुलाई को इंटरव्यू है, तो आपने अगर एंट्रेंस क्वालिफाई किया है इंटरव्यू देने जाइएगा 9 जुलाई को बॉटनी के बच्चे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे सभी डिपार्टमेंट की बात लागू होती है। और जो बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में अप्लाई किए हैं और एग्जामिनेशन कैटेगरी में है, एग्जामिनेशन की भी कैटेगरी 2 बनाई गई हैं और कैटेगरी 2 के भी 2 कैटेगरी बनाई गई है, मैं आगे बताऊंगा। तो जो बच्चे एग्जामिनेशन कैटेगरी में हैं और जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उन सभी बच्चों का इंटरव्यू एक ही दिन में रखा गया है, जिस भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू आपका जिस डेट में होना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट्रेंस क्वालिफाई बच्चों की लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है। एग्जामिनेशन आप है या नहीं ये आपको फॉर्म भरते वक्त मालूम चल गया, क्योंकि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो ऑलरेडी वो एग्जामिनेशन कैटेगरी में है। यानी कि ऐसे बच्चे जिनका नेट क्वालिफाई है, चाहे UGC का हो या CSIR का हो, जिन बच्चों का गेट क्वालिफाई है, जिन बच्चों का JRF क्वालिफाई है, जो बच्चे CEED एग्ज़ाम पास करे हैं या कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम पास करे हैं या कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप प्राप्त करे हैं, वो बच्चे एग्जामिनेशन कैटेगरी में आएंगे। दूसरी कैटेगरी वो है ऐसे बच्चे आवेदनकर्ता जो किसी प्राइवेट कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में या राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से संबंधित जो अलाइड कॉलेजेस हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, वो बच्चे भी एग्जामिनेशन कैटेगरी में रखे गए हैं। तो ये बच्चे भी इंटरव्यू देने जाएंगे सेम डेट और सेम समय पर, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट कौन से लेकर जाने हैं वो मैं आपको आगे बता दूँगा, ठीक है। कमेंट करके मत पूछिएगा कि सर एग्जामिनेशन वालों का इंटरव्यू कब है और एंट्रेंस वालों का, दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू सेम डेट सेम टाइमिंग में है। अपने डिपार्टमेंट की डेट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक और बात, इंटरव्यू होना है आपका 30 नंबर का और 30 नंबर को बांट दिया गया है। आपकी प्रेजेंटेशन की एक कैटेगरी है, प्रपोजल की दूसरी कैटेगरी है, और प्रपोजल को किस तरीके से आपने फ्रेम किया है, उसका डिज़ाइन, उसका प्रारूप, उसका स्वरूप किस प्रकार से आपने रिटर्न में लिखा है, लिपिबद्ध किया है, ये देखा जाएगा। और सिनॉप्सिस के दौरान जो भी आपसे प्रेजेंट करेंगे इंटरव्यू, जो भी सवाल जवाब देंगे, आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रस्तुतिकरण शैली किस प्रकार से आपकी है, इसके आधार पर भी आपको जज किया जाएगा। तो अच्छा लिखना ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू में, अच्छे लिखे हुए को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो अपने लिखे हुए को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, खासकर रिसर्च मेथोलॉजी जो भी आपने लिखी है जिसके आधार पर आप काम करना चाहते हैं, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और रिसर्च के क्वेश्चंस क्या हैं ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, और आपके रिसर्च का रेलेवेंस क्या है यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट से जहां आपने आवेदन किया है, और सोसाइटी के लिए क्या उसका महत्व होगा। यू रेलेवेंट ऑफ द रिसर्च टॉपिक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इन 4-5 सवालों को ज़रूर याद रखिएगा दिमाग में। इनके सवालों के जवाब अपने पास रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। 30 नंबर के इंटरव्यू में 20 से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास ज़रूर करिएगा अगर आपके एंट्रेंस में 60% या 70% नंबर आए हैं, और अगर आपके एंट्रेंस में 70, 75 या 80% तक आपने स्कोर किया है, तो इंटरव्यू में अगर आपके 15 से 18 या 15 से 20 तक भी नंबर आते हैं तो सिलेक्शन होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी सूचना इंटरव्यू को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के 23 और 24 के सत्र के PhD के इंटरव्यू के संदर्भ में। कुछ सवाल, समस्या, जिज्ञासा, चिंता हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद, दुआ सलाम, शुभकामनाएं सभी को।